एयर बॉक्स, 10+2 का गियर बॉक्स है ना, इसमें 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स, हाई लो मिला के 2 फॉरवर्ड और 10 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स होंगे, ठीक है ना। इस तरह से अब अपन क्या करेंगे कि इसको निकालेंगे, ये निकाल, अपने टैंक पहले निकाल लिया, अब टैंक निकालने के बाद अपन इसको निकालेंगे, इसको लूज करके यहाँ से निकाला, अब इसको खोलो और इसको खोल के निकालो, गियर बॉक्स से ही, ठीक है, अपन ने ये निकाला, देखो अब इसके बाद ये जो रहता है ये शिफ्टिंग के लिए है, ये इस रेल में बैठा रहता है, रेल के इसमें, और ये इसको अपन जब करते हैं तो ये इस तरह से इस तरह मूव होता है और मूव होकर इसको शिफ्ट करता है गियरों को, ये यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये स्प्रिंग टाइप लोडेड है, ये इससे अपन स्लाइड करते हैं इसको, जैसे जैसे स्लाइड करते जाएंगे वैसे ये इस तरह से स्लाइड होता जाएगा और इसमें यहाँ पर फंसता जाएगा, उसके बाद अपन इसको शिफ्ट करेंगे लीवर के थ्रू, लगाओ लीवर इसमें, यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन है ये रेल की, पूरे ये दिख रहा है ये न्यूट्रल पोजीशन है, और ये जो शिफ्टिंग फॉर्क है, ये शिफ्टिंग फॉर्क यहाँ से इस तरह से हमने बिठाया तो ये यहाँ पर बैठ गया है ना, यानी कि ये जो रेल है ये फिफ्थ की आ रही है ना, सेकंड थर्ड और फर्स्ट और सेकंड, ये यहाँ से इस तरह से चलेगी, तुम यहाँ पे ये लगाओ लीवर है वहाँ पर, तो पोजीशन आती है, उसके बाद ये इस तरह से यहाँ आएगी ये, और ये यहाँ से यहाँ आएगी, और इस तरह से आप इसको शिफ्टिंग कर सकते हो, ये इस तरह से, ये देखो ये लगाओ यहाँ पे दिखाओ ज़रा, ये इस तरह से ये शिफ्ट होगा, क्योंकि अभी हमने इसका कवर निकाल रखा है इसलिए इस तरह से आपको दिख रहा है। अब हम इसका इसका ये टापा हटाने जा रहे हैं, टापा टापा ये इस तरह से इधर करो, इस तरफ पर, इस तरफ पर नहीं, ये इसमें दो शिफ्टिंग फॉर्क लगे हुए हैं, देखो ये यहाँ पर, और ये जो है ये इसकी ये जो रेल है इसमें हटा हटा कर इसमें थोड़ा सा इधर यहाँ करो, ये जो रेल है ये इस जगह पर ये जो स्लाइड बने हैं इसमें ये स्प्रिंग लोडेड वो रहते हैं जो इसको दबा कर रखते हैं, इस रेल को दबा कर रखते हैं, जो उनसा गियर अपन ने लगाया है वो इसको वो करेंगे, और ये जो वाला है ये यहाँ पर आएगा पीटीओ में, ये इसका पीटीओ प्लस हाइड्रोलिक पंप इसको यहाँ से चलाएगा इस लीवर के थ्रू, ठीक है, ये यहाँ से पीटीओ अपन डायरेक्ट दे रहा है, तो पीटीओ के ये फॉर्क लगा हुआ शिफ्टिंग फॉर्क और ये रेल, और इसके बाद पीछे एक फॉर्क लगा होगा, जब हम ये खोलेंगे उस वक्त दिखाएंगे तो वो हमारे पंप को ड्राइव देता है, इस तरह से ये चीज़ लगी रहती है, और ये वाला जो दिख रही है रेल आपको ये इसमें लग जाएगी जाके इस पोजिशन में लगेगी, तो ये वाला हो गया हमारा हाईलो का और ये होगा हमारे पीटीओ उसका लीवर का होगा, और बाकी ये जो लगे हुए हैं ये आप देख रहे हैं ये ही वो स्प्रिंग लोडेड वो लगे हैं, अगर बाई चांस कभी गेयर फंस जाए तो आप इसको खोल कर भी यहाँ से इसको ड्राइवर से निकाल सकते हैं, या फिर आप ये इस पोजीशन को खोलें, इस पोजीशन को खोलना यूँ मुश्किल होता है क्योंकि टैंक हटाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद जाके आप इसको लगा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से गियर अगर कभी फंस जाते हैं तो इसको खोल लेंगे, इसको खोल कर निकाल कर और यहाँ से इसको ड्राइवर की मदद से इसमें फंसा के आप न्यूट्रल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वो हो गई, अब इसकी रेल को निकालना है हमें, तो अब इसकी रेल को निकालो, ये वाला ये जो आया ये टॉप का है, इसमें यहाँ पर फंस रहा है, उसके बाद ये यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा, ये फर्स्ट एंड रिवर्स हो जाएगा, ये आप रेल देखेंगे ये इस तरह से देखेंगे, ये जो है ये पूरा आप देख सकते हैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है, और इसका एक गियर जो है वो कांस्टेंट मैश है, एक गियर इसमें कांस्टेंट मैश रहता है जिससे हम इस पोजीशन से इसको चढ़ा सकते हैं, ये कांस्टेंट मैच गियर है, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, हम इसको लेंगे और यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये इससे वो हो जाएगा, वो टॉप जब लगेगा तो ये डायरेक्ट इस शॉफ्ट पे चढ़ जाएगा, तो पावर यहाँ से सीधी डिफरेंशियल को चली जाएगी, यहाँ तक का ये गियर बॉक्स है अब देख सकते हैं, और ये गियर जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर ये जो स्लॉट दिख रहा है जिधर इंगेज होना है वहाँ पर ये गोल सा वो बना रहता है ताकि ईजी इंगेज हो सके, ये इसमें इस तरफ बना रहेगा, इसमें इस तरफ बना रहेगा, ये यहाँ पर डायरेक्ट देना है इसको, ये कपलिंग चढ़ेगी और इससे हम जब ये क्लच शाफ्ट जो आ रही है ये यहाँ से मेन शाफ्ट पे हम डायरेक्ट चढ़ा देंगे तो पावर हमारी सीधी जाना शुरू हो जाती है, नहीं तो पावर नीचे से आएगी फिर ऊपर आएगी और फिर जो गियर इंगेज करेंगे उसके थ्रू पावर वहाँ तक जाती है,
ठीक है, इस तरह से आप ये देख सकें। ये वाली हम यूँ नहीं निकालेंगे कि ये इसमें फंसी नहीं, इसलिए हम इसको नहीं निकाल रहे। तो ये चीज़ देख लो आप लोग, ये अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी धन्यवाद।